राहुल गांधी अपनी राजनीतिक नैया में तेजी से चप्पू चलाते दिखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन केरल में लोकल नाविकों के साथ इस प्रतियोगिता में वो नाव जीत गई जिसमें राहुल सवार है। सवाल लेकिन 2024 का है। जहां सोमवार की ये तीन तस्वीरें, राहुल केरल में सबसे ज्यादा वक्त जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा को दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस से अलग हुए अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा दिया। गोवा में कांग्रेस के पास नेता विपक्ष लायक विधायक भी नहीं बचे। 8 विधायक पहले बीजेपी में शामिल हुए। अब दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। उनके रोकने तो कोई रुक नहीं रहा। जिन लोगों को लगता है कि हमें देश की सेवा करनी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहकर सेवा करनी है और राष्ट्रवाद के साथ जुड़कर सेवा करनी है, सब भाजपा में आएंगे। उनके रोकने से कोई रुकने वाला नहीं। और उनके मोटर कार्ड की जरूरत नहीं किसी को, सबके सब अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ी की जरूरत नहीं है। अपनी टमटम गाड़ी अपने पास रखे जो उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाई है। जो साफ सुथरे ईमानदार और जो राष्ट्रवादी लोग हैं सबका सब आएंगे और सबका स्वागत है। जो हम शुरू से कहते थे उन्होंने आज प्रूव कर दिया। हम शुरू से कहते थे कि ये तीन काले कानूनों के फेवर में है, इसीलिए हमने उनको हटाया बीच में। हम शुरू से कहते थे ये पंजाब के लोगों के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति है। जो लोगों ने किसानों को तीन काले कानून दिए, आज अमरिंदर सिंह जी उनके साथ बैठेंगे। ये तस्वीर सिर्फ समंदर किनारे के राज्य के कांग्रेसी विधायकों के पूर्व कांग्रेस विधायक बनने के बाद दिल्ली में आकर बीजेपी आलाकमान से मिलने भर की नहीं। ये तस्वीर सिर्फ अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीजेपी में विलय की नहीं है, ये संदेशों की सियासत है। एक ही रास्ता ये राजनीति का है, बीजेपी की तरफ से विपक्ष को कमजोर और बहुत कमजोर दिखाने का रास्ता। गोवा के विधायक टूटकर सिर्फ बीजेपी में नहीं मिलते बल्कि कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाकर दिल्ली आकर बीजेपी में जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात करते हैं। संदेश सियासत का यहाँ यह है कि कांग्रेस हाईकमान नेताओं के लिए उपलब्ध नहीं, बीजेपी के शीर्ष से मिलना आसान है। गोवा के कांग्रेस विधायकों से पहले गुलाम नबी आजाद भी राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अपनी अलग पार्टी बनाकर आजाद राहुल की कैप्टेंसी पर सवाल वाली चिट्ठी लिख चुके हैं। संदेश सियासत का ये दिखाने का कि राहुल को एडीआर की रिसर्च कहती है कि 8 साल में जितने भी विधायकों ने दल बदला उनमें 45% बीजेपी में चले गए। जितने भी विधायकों ने दल बदला उसमें सबसे अधिक 40% से ज्यादा कांग्रेस के रहे। नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था, करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था, सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था, करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं,
लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है। 25 साल से देश के 7 राज्यों में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री नहीं है। 21वीं सदी में 10 राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही नहीं देखा। तब कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा बीजेपी में टूट कर जाते हैं। ऐसे ही टूट कर आए हेमंता बिस्व शर्मा आज तक से कह चुके हैं, कांग्रेस का कोई लोग बीजेपी में आना चाहते हैं तब थोड़ा हम लोग जो पहले ही बीजेपी में आ चुका हूँ हम लोग से पूछ पास करते हैं, दादा अगर पार्टी में जाऊंगा तो हमको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीजेपी कैसा है, यही बात को बड़ा बना दे। बीजेपी में सम्मान यानी कांग्रेस हाईकमान और राहुल के नेतृत्व पर सवाल। खैर इस बीच जब तमाम कोशिश संयुक्त विपक्ष की होने की फिलहाल चर्चा में है तो लोक नीति CSDS से जुड़े संजय कुमार जो एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक है उनके मुताबिक 2019 में बीजेपी ने न केवल देश में 303 सीट जीती थी बल्कि काफी सीट पर जीत का अंतर बहुत बड़ा था। 105 सीटें बीजेपी ने 300,000 और उससे ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में 59 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 200,000 वोट से ज्यादा रहा है। 77 सीट बीजेपी की ऐसी जरूर थी जहां जीत का मार्जिन 100,000 से कम था। अगर कांग्रेस के साथ कोई संयुक्त मोर्चा बनता है तो राजनीतिक जानकार का आकलन है कि यही 100,000 से कम वोट से जीती हुई 77 सीट पर बीजेपी के लिए विपक्ष चुनौती बन सकता है। इन 77 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवारों के वोट को जोड़कर दावा है कि संयुक्त मोर्चा बना तो भी बीजेपी को 48 से 50 सीट पर ही नुकसान पहुंचा सकता है। यानी संयुक्त विपक्ष बनता भी है तो फिलहाल अभी बीजेपी के लिए कोई बड़ा नुकसान सीटों पर नजर नहीं आता। आने वाले वक्त में विपक्षी दलों के भीतर अगर बीजेपी की तरफ से आने का एक ही रास्ता चलता रहा तो ये फिर नुकसान भी क्या पता ना ही होगा।